वेलकम बैक टू अलमीम एंटरटेनमेंट, अलमीम गोट फार्म पर। रमजान से पहले ये आपका नाम पिंकेश भाई, ये किसने मारा आपको? काले बकरे, काला कोटा जो अंदर में बांधा हुआ है बड़ा वाला, उसने पेल दिया। किसे मारा? क्यों, आप तो खुर कटवा रहे थे तो उसको पकड़ने गए थे तो उसने सीधा घुमा दी। बहुत मारता है वो, बहुत विचित्र बकरा, बहुत विचित्र बकरा है। जोर से लगी पर ज्यादा तो नहीं लगी ना भाई। ये मैं बता दूं कि अगर ये वीडियो हमारा उवेश भाई देख रहे हैं ना, तो सूरत वाले उवेश भाई, आपके वाले करौली कोटा ने पिंकेश भाई को मारा है। अभी इनका जो दवा का जो सारा ट्रीटमेंट इलाज का खर्चा होगा वो उवेश भाई आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना पिंकेश भाई? उवेश भाई से लेना पड़ेगा ना, उनका इतना जल्लाद बकरा लाए हो। उनका बकरा जो है काफ़ी जल्लाद है, कितनी तगारी, जो उनका फीड का फीडर जो रहता है वो भी उसने बहुत बार तोड़ दिया है, हमें भी बहुत बार मारा पीटा हुआ है उसने। पिंकेश भाई को पता नहीं था कि वो इतना अग्रेशन में है, तो ये पिंकेश भाई को उसने हाथ में दे दिए। चलिए पिंकेश भाई, आप इस पर कुछ ट्रीटमेंट करिए, कुछ लगा लीजिए, ठीक है? अलमीम का वीडियो, एक्चुअली अलमीम पे तो नहीं लेकिन अलमीम का वीडियो। अभी हम बकरे तो नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में, लेकिन आज हमारे साथ कोई आए हैं तो चलिए उनसे भी मिलाते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मुस्तफ़ा भाई है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई, आप सबसे पहले तो ये बताइए आप कहाँ रहते हो? मैं सूरत में रहता हूँ। सूरत में रहते हो, संग्रामपुरा तलावड़ी। संग्रामपुरा तलावड़ी में। मुस्तफ़ा भाई, आपका काम जो है बकरों के खुर काटना और बाल काटना, बाल भी कटिंग करते हैं। ओके, चलिए आप मेरे को इस बकरे के बारे में कुछ बता रहे थे मुस्तफ़ा भाई। इसको लट्टू घर का काफ़ी प्रॉब्लम है। वो क्या है, लट्टू खुरी है, इसके अंदर डायरेक्ट काटने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, इसके अंदर क्या रहता है जी? वो हीट वाला जैसा मशीन रहता है। मशीन ला, मशीन बताओ। ये खुरी क्या रहता है, हर 20 दिन को बढ़ता है, हर 20 दिन को बढ़ता है, 20 दिन को बढ़ता रहेगा। और ये खुरी एकदम पत्थर जैसा रहता है। ओके, इसको आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हो। इसके अंदर हम क्या है, इसका नाखून काटने के लिए हम लोग ये मशीन रखते है। ये गैस वाला है, गैस पंप है। उसको ऐसा चालू करके ऐसा चालू करना पड़ता है, ठीक है? उसकी थोड़ी उसको सेक देना पड़ती है, सेक देकर। वजह से क्या है, वो नरम हो जाता है, उसको थोड़ा झल्ला के डायरेक्टली उसके ऊपर छुरी चलाओगे तो आपकी छुरी नहीं चल पाएगी। ओके, और दूसरी बात क्या है, आप ताकत लगाओगे तो उसको और डबल दर्द आ जाएगा पेट में। ओके, चलिए तो फिर मुस्तफ़ा भाई, एक हम लोगों को इसका थोड़ा डेमो भी दिखा दे कि इसको किस तरह से यूज करते हैं और कौन सी वाली खरी पर यूज होते हैं सबसे पहले। दो हम सिर्फ भाई बताइए, देखो ये आपको बाजार में लाइटर मिलता है, ये आपको अलग से लेना है। ओके, ये जो आपको लाइटर मिलता है जो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ठीक है, डायरेक्ट बटन वाला है। ओके चलिए, तो इसका हाँ ऐसे लॉक किया जाता है, ये लॉक किया। सिर्फ भाई, ये घर में जो खुद बनाते हैं खुर जो लोग, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, अगर बकरे की पूरी लट्टू है, पत्थर जैसी है, है उस पे ये यूज कर सकते। कहाँ तक कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं वो दिखाते हैं। चलिए, हाँ वही बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ ये देखो, ये मैंने चालू किया इसको। ओके, इसकी लो ज्यादा रखनी है, नॉर्मल फ्लेम जो है थोड़ी नॉर्मल रखना है, स्पीड है लो रखनी है, लो रखनी नहीं रखनी। ओके, रखने के बाद अपनों जैसे को ये इसको लट्टू घर बोलेंगे ना कड़क में, हाँ ये कड़क खुरी है, तो इसको इतनी दूर से अपनों को हिट देना है। ज्यादातर ये बॉर्डर के हिसाब से, बॉर्डर ये आप ऐसे हिट दोगे ये ऑटोमेटिक सेक लगती जाएगी। ऐसे खड़ा नहीं रखना है, ऐसा ही रखना है, खड़ा रखोगे तो चमड़ी पे हिट लगेगी, ऐसे क्रॉस रखना है, ऐसे रखोगे तो चमड़ी पे हिट नहीं लगेगी, मतलब उसकी स्किन पे नहीं लगना है, स्किन पे नहीं, सिर्फ खुर पे ही रखना है। हल्के अपनों को अपनों खिलाना है, ऐसा घुमाना है इसको, देखना है कहाँ कहाँ हिट लगा है, कहाँ नहीं लगा है, जहाँ नहीं लगा है वहाँ हिट देना है अपनों को। ओके, ये हिसाब से हिट देना पड़ता है। अच्छा, बराबर। अब अपनों को अंदर देना है, थोड़ा नॉर्मल लग जाएगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर भी हल्के हाथ से देना है अपनों को। ये देखो, ये मुस्तफ़ा भाई आप लोगों का एक, इसको हम आठ ही बोलेंगे कि ये आप लोग की एक कला है जिस वजह से आप लोग ये कर सकते हैं। और अपनों को देखना है खुरी उतारना है, ये बिल्कुल वेफर जैसा कटेगा,
ये हार्ड पूरी है, बिल्कुल वेफर जैसा कट रहा है, वेफर के जैसे माफिक कट जाएगा, इसमें ज्यादा ताकत नहीं लगेगा, लेकिन आप डायरेक्टली काटोगे तो इसके अंदर दर्द आ सकता है पैर में। ओके, डायरेक्टली में आपको ताकत बहुत लगेगा। वो लट्टू यानी कि वो हार्ड जो रहती है वो खुर में, ये वही खुरी में चलता है, वही खुरी के हिसाब से इसको अपने को काटना है, अपने को खुरी का लेवल देखना है कितना बड़ा क्या है, बकरे के पैर के हिसाब से डाल सही देना अपनों को। ओके, ये पॉइंट ऐसे उड़ा देना है और ये अंदर से थोड़ा ऐसा ले लेना, पैर रखे देख लो एकदम स्ट्रेट पैर हो गया, दोनों का डिफरेंस दिखा दे, वो वाला पांव और ये वाला पांव। ये क्या है, ये मट्टी, इसलिए आपको लेवल मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, ऐसा लगता है अपनों को, ये अंदर से थोड़ा मीडियम ऐसा काट दो। माशाल्लाह मुस्तफा भाई, आपका हाथ और आपकी जो छुरी है बहुत जबरदस्त चलती है। इसके अंदर छुरी आपको सही चाहिएगी, नरम छुरी नहीं चलेगी। अच्छा, छुरी कड़क, क्योंकि बहुत इजीली ऐसा आपको काटे हुए देखते लगता है कि बहुत इजीली हो सकता है, हम भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन वैसा नहीं है। ये तो आपका हाथ जो है ऑलरेडी इतने सालों से करके पूरा सेट है ना। चलिए ठीक है, तो ये जिस तरह से बन करके जला के जो लट्टी खुर को काटते हैं वो दिखा दिया हमने, और उसके साथ साथ आपने एक बकरा भी देख लिया अपना अलमीम का। मुस्तफ़ा भाई, अलमीम का सेटअप मजा आई देख के, बहुत माशा है। हाँ, माशाल्लाह बनाया, लेकिन माशाल्लाह अच्छा है, बेहतरीन बनाया हुआ ये जी। मुस्तफ़ा भाई, ये अपने बकरी वाला जो पूरा फीमेल वाला डिपार्टमेंट है जिसमें हम अभी अपने खड़े हैं, और तो मैं लोगों को बता दूं कि फीमेल्स का जो पलाई है वो हम 2000 रुपये में पालते हैं, मतलब फीमेल किसी को पलाई पे रखना है तो उसका चार्ज जो है 2000 रुपये, उसमें ये खुर कटिंग, हेयर कटिंग, दवाई, खाना, रखना सब कुछ आ गया। और हमारे पिंटूस भाई सही हो, हाथ में अब अच्छा है, काफ़ी ज़ोर से लग गई थी लेकिन अब अच्छा है ना। चलिए मुस्तफ़ा भाई, ये काम हम कितने साल से कर रहे हैं? तो 10-12 साल हो गए आपको। चलिए, तो माशाल्लाह सूरत में कौन सी जगह पर काटते हो आप खुर? हर जगह पे जाता हूँ, जो घर वाले बुलाते हैं किसी को, वहाँ पर फोन आता है कि भाई हमारे बकरे का नाखून काट। पूरा पूरा फार्म का भी काम रखते हो, बाल खुर दोनों का? अगर मुस्तफ़ा भाई पूरा फार्म का खुर और बाल का कटिंग करवाना हो तो आपको समझ लो कि कितने दिन पहले आपको कॉल करके कांटेक्ट कर ले, जैसे समझ लो अगर 100 बकरे है, 100 बकरे है, 50 बकरे है, तो हमारा लोग का ऐसा रहता है जो हमने ऑलरेडी आगे का जो काम दिया रहता है, हम वो काम पूरा करने के बाद सामने वालों को टाइम देते थे कि ये कितने दिन बाद आए। ओके, हमको मालूम है कि ये फार्म में हमारे को 8-5 दिन लगना है, तो हम लोगों को 8-5 दिन वो काम टाइम छोड़ कर उसको टाइम देंगे। ओके, लेकिन मुस्तफ़ा भाई कोई पूरा का पूरा फार्म आप हर महीने के लिए भी बुक कर लेते हो कि भाई चलो 5 से 10 तारीख के बीच में आके आपको काट देना है? देखो, हमको जैसा पार्टी बताती है। ओके, अपनों को ये तुमको आते महीने ये तारीख को आना है, तो हम लोग यानी कभी टाइम में 19-20 हो जाता है, आगे पीछे हो जाती है तारीख। ओके, और तो टाइम हो जाता है। ओके मुस्तफ़ा भाई, हम लोग सूरत में और सूरत के आजू बाजू के एरिया में जैसे कि कठोर हो गया, फुलवाड़, कामरेज, कला, बोधन, बहुत सारा लाजपोर, कफलेता, बारडोली, आप हर जगह पे जाते हो, तो अगर इक्का दुक्का बकरा रहे तो अभी जाके आपने खुर वगैरह बना लेते? हाँ, बना लेते हैं। उसमें कैसा रहता है कि हमारे को मालूम है कि हमको नवसारी जाना है जी, तो लाजपुर का किसी का बकरे का कुछ काम है, एक आध बकरे का भी काम है, तो हम रनिंग में काम कर लेते हैं। ओके, अच्छा, तो मुस्तफ़ा भाई वैसे हम नॉर्मली अगर सूरत सिटी में ही रहे, आप सूरत सिटी में रहते हो, तो खुर के कटिंग का एक बकरों का कितना लेते हैं? हमारा ऑलरेडी सूरत में 100 रुपया 100 रुपया चलता है एक बकरों का। और अगर जैसे बड़े फार्म रहते हैं, प्लॉट रहते हैं, तो जैसा पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है, कोई 70 रुपये भी देते हैं। ओके, कोई 80 रुपये भी देता है। ओके, 50 भी देता है, ऐसा है। तो आपको ऑलरेडी इसका रेट तो है, देने वाला 100 रुपये भी देते हैं, लेकिन पूरा लॉट में रहता है तो क्या है कि उनको भी भाड़े नहीं रहता, रीजनेबल को भाव कम रीजनेबल लगाना पड़ता है। ओके चलिए कोई बात नहीं, इसके खुर कट हो गए। ओके चलिए, तो एक और वाला जिसका आप काटो वो दिखा देते हैं आपने थोड़ा। मुस्तफ़ा भाई, ये आप जो उसकी नीफ जो है, आई मीन ये छुरी जो है
उसके लिए स्पेशली खास बनाई हुई है। ये खास बनाई है, ये ऐसे शेप में ही रहती है। हाड़ खुरी के लिए मैंने बनाई है। हाड़ खुरी के लिए बहुत कड़क खुरी होती है, हाड़ खुरी होती है उसके लिए। ओके अच्छा, ये खुरी बहुत बढ़िया चलती है, बहुत बेहतरीन चलती है। ओके चलिए देखते हैं। ये मुसफ़ा भाई एक बिल्कुल आप लोग का एक्सपीरियंस होता है कि कितनी अंदर उतारना है, गादी कितना काटना है, कम ज्यादा खड़ी आती है, ब्लड शुरू हो जाता है, कभी कभी ब्लड बंद भी नहीं होता है, नॉर्मल होता है तो बात अलग हो जाती है। अच्छा सर, वही लोग बोलते हैं कि जब कुरूर वगैरह कटवाते हैं तो धनु टीटी का कुछ इंजेक्शन रखवाना चाहिए, ऐसा कुछ वो जरूरी है? है ना, ये तो एक नेल कट्स है ना उनके, जैसे हमारे नेल कट करते हैं। इसमें मतलब भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज कौन सी होती है जो कटनी चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये पूरी पूरी की ये जो गादी है ना, ये इसको लेवल देखना पड़ता है इसका। किस चीज को गादी बोलेंगे? ये चीज को उतारना पड़ती है कभी, जो बीच में जो रहता है ये, ये। और कभी कभी है ना इसके अंदर ये पॉइंट को भी उड़ाना पड़ता है। ओके, तो ये लेवल एक दूसरे के लेवल पे आ जाता है। तो भाई लोगों को, कितने लोगों को ये आइडियाज नहीं होती है कि खुर कटिंग कितना जरूरी है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि खुर काटना हर महीने कितना जरूरी है? इसमें ऐसा रहता है कोई बकरे की अगर खराब खुर रहती है तो 20 दिन को भी बढ़ती है, 25 दिन को भी बढ़ जाती है। ओके, जैसा ये नॉर्मल है इसका आपको तुम्हारे को एक डेढ़ महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, इसका खुर उतार दिया आपने, डेढ़ दो महीने तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अच्छा, खुर काटने के फायदे मुस्तफा भाई के? ये रहता है कि बकरे के पैर में दर्द नहीं आता है, कभी बकरा यहाँ से ये बावड़ी भी खोल देता है, खुरी खराब होती है। अच्छा, ओके, बकरे के पैर में भी दर्द आ जाता है। ओके, और वजन वेट के लिए कितना जरूरी है? वजन के लिए अगर खुर सही रहेगा तो वजन बढ़ने में उसको कंफर्टेबल रहेगा, बकरा खून कटाते रहोगे बकरा तुम्हारा बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, चलने में अच्छा रहेगा। हर आदमी बकरा, हर पूरे अपने जितने भी बकरे वाले सब मालूम, जैसे अपने पांव में अपना भी पूरा डिपेंड पांव पे है कि चलना फिरना, अपने भी हर 8-10 दिन को अपने टाखून काटते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि इसके अंदर कोई नहीं, अगर खुरे हर टाइम का अलग अलग आती है, ऐसा जरूरी नहीं है सबके सही आएगी, सबके सही खुरे होंगे। ये अपने सामने बाजू वाला बकरी जब उन्होंने देखी जी पूरी उसे भाई, अपने वापस काटना पड़ेगा। उसे भाई अपने सब्सक्राइबर और जो व्यूअर्स जो है वो सूरत से बाहर, गुजरात से बाहर के भी है, तो अगर किसी को आपसे मतलब पूरा फार्म है उनका, उनको बाल वगैरह कटवाना है, फार्म है बड़ा 50-100 नंग 150 नंग, तो आप कहीं आउट ऑफ गुजरात भी जाके, गुजरात के बाहर नहीं जाते, गुजरात में ही करते हैं, मतलब गुजरात में कहीं भी कर ले, अगर बड़ौदा वगैरह कुछ रहा तो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये अच्छा है। चलिए मुस्तफ़ा भाई, जज़ाकअल्लाह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और एक बात मुस्तफ़ा भाई के, अभी इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि आप हर महीने का एक हम टाइम फिक्स कर लेंगे जब आप आके यहाँ अलमीम पर बकरों की नाखून वगैरह। अच्छा, एक और एक बात मुस्तफ़ा भाई पूछनी थी, अभी तो मैंने लोगों को इस साल अपने बकरे दिखाए नहीं है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अलमीम का पूरा सीरीज शुरू होगा, तो लेकिन एक सवाल ये है कि आप तो नाखून काट रहे हो, जो खुर काट रहे हो अभी बकरों के, बकरे कैसे लगे अलमीम के? बकरे काफी अच्छे माशाल्लाह है, अच्छे है माशाल्लाह, देखने लायक निकलेंगे ईद पर इंशाल्लाह। चलिए ठीक है, ये क्या है जैसा आप जो बकरों को मेंटेन करते हो और आप बकरे को जैसा खिलाते हो जी, बकरा इंशाल्लाह और वजन पकड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए तो इंशाल्लाह हम रमजान के बाद जो है अलमीम का पूरा सीरीज शुरू होगा, बहुत सारे वीडियोज आएंगे, तो बने रहिए अलमीम एंटरटेनमेंट में। आपका अपना चैनल, अस्सलाम वालेकुम।